उसका प्रूफ करते हैं फ्रेंड्स, क्या लिखा है, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, जेड। तो फ्रेंड्स इसका प्रूफ कर लेते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। फ्रेंड्स अब लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, तो यहां से कितना आ गया, जेड कॉन्जुगेट प्लस एक्स प्लस आयटा वाई, ये क्या आपका आ गया, एक्स प्लस आयटा वाई का कॉन्जुगेट। तो फ्रेंड्स यहां से जेड बार मतलब जेड कॉन्जुगेट क्या आ गया, एक्स माइनस आयटा वाई। फ्रेंड्स अब हम क्या कर देते हैं भाई, हमारा देखिए क्या लेके चल, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जेड दिखाना है, तो हम जेड कॉन्जुगेट तो निकाल चुके हैं फ्रेंड्स, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो फ्रेंड्स क्या मिल जाएगा बताइएगा, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आइटा वाई का कॉन्जुगेट। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिएगा, इसको अगर हम नंबर फर्स्ट ले लेते हैं तो यहां से देखिएगा फ्रेंड्स, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो फ्रेंड्स ये एक्स प्लस आइटा वाई अगर इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो ये किसकी वैल्यू है, जेड की। तो जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कितना आ गया, जेड आ गया यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रेंड्स हम पहली प्रॉपर्टी जो है प्रूव कर चुके हैं, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। अब फ्रेंड्स दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी करते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी करते हैं, जेड बार, जेड इज इक्वल टू जेड बार इफ एंड ओनली इफ, जेड इज इक्वल टू जेड बार इफ एंड ओनली इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या आ जाए फ्रेंड्स, जीरो आ जाए। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स, जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या आ जाए फ्रेंड्स, जीरो आ जाए। तो फ्रेंड्स प्रूफ कर लेते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो फ्रेंड्स टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो फ्रेंड देखिएगा क्या आ जाएगा, जेड कॉन्जुगेट क्या आ गया फ्रेंड्स, एक्स प्लस आयटा वाई का कॉन्जुगेट। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा यहां से, जेड कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयटा वाई। तो जेड तो फ्रेंड जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू आपकी, जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ चुकी है, एक्स माइनस आइटा वाई। तो देखिएगा एज जेड इज इक्वल टू जेड बार, तो फ्रेंड्स देखिएगा ये आपका फर्स्ट है, ये आपका क्या है सेकंड। तो फ्रेंड्स देखिएगा इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज क्या आ गया, जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस
आईटा वाई, और जेड कंजुगेट की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस आईटा वाई। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए फ्रेंड्स यहां से क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, एक्स प्लस आईटा वाई माइनस एक्स प्लस आईटा वाई इज इक्वल टू जीरो। देखिए फ्रेंड्स x से x कट हो गया तो क्या आया फ्रेंड्स, टू आईटा वाई इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स यहां से अगर देखा जाए y इज इक्वल टू जीरो अपॉन टू आईटा, दिस इंप्लाइज फ्रेंड्स इंप्लाइज बाय इंप्लाइज वी गेट y इज इक्वल टू जीरो अपॉन समथिंग, क्या होता है फ्रेंड्स जीरो। तो फ्रेंड्स y होता क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। फ्रेंड्स मैंने बताया था अगर जेड की वैल्यू एक्स प्लस आईटा वाई है तो रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू एक्स हुआ करती है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू क्या हुआ करती है फ्रेंड्स, वाई हुआ करती है। तो फ्रेंड्स अगर जेड इज इक्वल टू जेड कंजुगेट है कब होगा वो, अगर इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा फ्रेंड्स, जीरो होगा। तो ये दूसरे नंबर पर जो प्रॉपर्टी आती है उस प्रॉपर्टी का प्रूफ किया है फ्रेंड्स। अब तीन नंबर पर जो प्रॉपर्टी आती है उस प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, नंबर तीन पर जो प्रॉपर्टी आती है जेड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जेड इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू जीरो। देखिए फ्रेंड्स प्रूफ करते हैं इसका, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई, ठीक है फ्रेंड्स नंबर फर्स्ट। नाउ एज जेड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जेड, तो देखिए फ्रेंड्स यहां से क्या आएगा, जेड की वैल्यू लगा दीजिए एक्स प्लस आईटा वाई इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस आईटा वाई यूजिंग फर्स्ट। देखिए फ्रेंड्स एक्स प्लस आईटा वाई माइनस एक्स माइनस आईटा वाई, देखिए फ्रेंड्स इधर से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आईटा वाई, ये एक्स इधर आ जाएगा प्लस का एक्स प्लस का आईटा वाई इज इक्वल टू जीरो। देखिए फ्रेंड्स कितना आ गया, टू एक्स प्लस टू टाइम्स आईटा वाई इज इक्वल टू जीरो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहां से टू कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस आईटा वाई इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स अगर इक्वेशन फर्स्ट से यहां देखा जाए तो टू टाइम्स एक्स प्लस आईटा वाई की वैल्यू कितनी है, जेड इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स यहां से कितना आ गया, जेड इज इक्वल टू जीरो बाई टू। तो फ्रेंड्स यहां से कितना आ गया, जेड इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स हमने तीसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी करी है जेड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जेड, वो क्या आ गई है आपकी प्रॉपर्टी, जेड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जेड हमने जो की है वो क्या कब होगी, जब आपका जेड क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। जेड वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ही क्या हो, जीरो, ठीक है भाई। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको बता दूं एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर need not be real।
बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर नीड नॉट बी रियल नंबर. देख लीजिए फ्रेंड, टू बिलोंग्स टू सी भी है. सी क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. और टू बिलोंग करता है आर में भी. टू बिलोंग करता है आर में भी. और ये आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स. सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो हमने देख लिया कि दो रियल नंबर भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी है. और हम ऐसा लिख देते हैं, 3 + 2 iota belongs to C, but 3 + 2 iota does not belong to R. ठीक है, ये नंबर, ये ऐसा नंबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में तो जाता है परंतु रियल के सेट में नहीं जाता. इस बात को यहाँ पर साबित किया है. तो जीरो एक रियल नंबर भी है, जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है. तो हमने क्या पढ़ा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर खुद का ही नेगेटिव है, ठीक है भाई, तो कब होगा? जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो? जीरो ही हो. जीरो ही खुद का नेगेटिव है. नेगेटिव ऑफ जीरो जीरो ही होता है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है. अब प्रॉपर्टी नंबर 4 करते हैं फ्रेंड्स. जेड अगर प्योरली रियल है, जेड प्योरली रियल है इफ एंड ओनली इफ जेड माइनस जेड बार क्या होगा? पक्का जीरो होगा. देखिए प्रूफ, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. नंबर फर्स्ट, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट. देखिए फ्रेंड्स क्या मिल जाएगा यहां से, देखिएगा, जेड कॉन्जुगेट एक्स प्लस आइटा वाई कॉन्जुगेट. तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा यहां से, जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू कितना जाएगा फ्रेंड्स? एक्स माइनस आइटा वाई. फ्रेंड्स ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रेंड्स ये लेते हैं, यहां तक पहुंच जाएंगे इंप्लाइज बाय इंप्लाइज. देखिएगा, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू जीरो. तो फ्रेंड्स इनकी वैल्यू लगा लीजिए आप. देखिएगा इंप्लाइज बाय इंप्लाइज इफ एंड ओनली रिजल्ट है. तो फ्रेंड्स जेड की वैल्यू देखिएगा, एक्स प्लस आइटा वाई. फ्रेंड्स ये क्या है फ्रेंड्स? एक्स माइनस आइटा वाई. तो फ्रेंड्स देखिएगा, एक्स प्लस का आइटा वाई, ठीक है फ्रेंड्स. तो देखना यहां से, माइनस में एक्स, माइनस माइनस प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू जीरो. फ्रेंड्स एक्स से एक्स कट हो गया. देखिए फ्रेंड्स यहां से देखिएगा क्या आ जाएगा, टू आइटा वाई इज इक्वल टू फ्रेंड्स जीरो. तो यहां से देखिए फ्रेंड्स क्या आया, वाई इज इक्वल टू जीरो बाई टू आइटा. तो यहां से फ्रेंड्स क्या आ गया आपका, y इज इक्वल टू जीरो. तो फ्रेंड्स यहां से आप y की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं. अगर y जीरो हो जाता, यहां फ्रेंड्स आपका y इक्वल टू जीरो आ चुका था, इंप्लाइज बाय इंप्लाइज करके y इक्वल टू जीरो आ चुका था. अब z के अंदर y की वैल्यू जीरो लगाएंगे तो आपको z इंप्लाइज बाय इंप्लाइज z क्या मिल जाएगा आपको, यहां से इंप्लाइज बाय इंप्लाइज आपको जेड क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? एक्स मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स. तो और यहां से देखा जाए तो जेड क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड आ गया है. तो इस इंप्लाइज बाय इंप्लाइज जेड इज
जेड इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल. इम्प्लाइज बाई इम्प्लाइज क्या आ गया, जेड इज प्योरली रियल, प्योरली रियल. आई थिंक फ्रेंड्स आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 समझ में आई होगी. आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6. प्रॉपर्टी नंबर 6, जेड इज प्योरली इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या हो, 0. प्रूफ लिख लेते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई. नंबर फर्स्ट, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट. तो फ्रेंड्स कॉन्जुगेट लगाइएगा, जेड कॉन्जुगेट एक्स प्लस आयटा वाई कॉन्जुगेट. तो फ्रेंड्स क्या आ गया, जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स माइनस आयटा वाई. नंबर 2, ठीक है फ्रेंड्स. अब देखिएगा नाउ एज जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, हम गिवन लेके चलते हैं. तो यहां से देखिएगा x प्लस आयटा वाई प्लस में x प्लस आयटा वाई का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0. फ्रेंड देखिए x प्लस आयटा वाई प्लस x माइनस आयटा वाई. तो फ्रेंड देखिए यहां से कितना आ जाएगा, x प्लस आयटा वाई प्लस में x माइनस आयटा वाई इज इक्वल टू 0. आयटा वाई का नेगेटिव आ गई तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0. तो फ्रेंड्स देखिएगा आपको यहाँ से क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 0. जैसे ही इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख के देखते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, z इज इक्वल टू 0 प्लस आयटा वाई. तो फ्रेंड्स यहाँ से देखा जाए तो z इज इक्वल टू आयटा वाई आ गया. z इज इक्वल टू क्या आ गया, आयटा वाई. दिस इम्प्लाइज z इज प्योरली इमेजिनरी, जेड इज प्योरली इमेजिनरी. ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी नंबर 6 भी समझ में आई होगी. आगे चलते हैं फ्रेंड्स प्रॉपर्टी नंबर 7 पर. देन जेड प्लस जेड बार 2 रियल पार्ट ऑफ जेड एंड जेड माइनस जेड बार 2 आयटा, जेड माइनस जेड बार 2 टाइम्स आयटा ऑफ इमेजिनरी पार्ट. देखिए फ्रेंड्स यहां से सेवंथ प्रॉपर्टी में देखा जाए, प्रूफ में लिख लेते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट. क्या आएगा फ्रेंड्स, जेड कॉन्जुगेट एक्स प्लस आयटा वाई कॉन्जुगेट क्या जाएगा, जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स माइनस आयटा वाई. ये नंबर फर्स्ट आ गया फ्रेंड्स, ये नंबर सेकेंड आ गया. तो फ्रेंड्स पहले ये प्रूफ कर लेते हैं क्लियरली, जेड प्लस जेड बार फर्स्ट वी प्रूव, जेड प्लस जेड बार फर्स्ट वी प्रूव जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड. तो फ्रेंड्स इसका LHS ले लेते हैं, LHS जेड प्लस जेड बार. तो फ्रेंड्स यहां से देखा जाए तो जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस आयटा वाई प्लस जेड कॉन्जुगेट कितनी है, एक्स माइनस आयटा वाई.
तो फ्रेंड्स देखा जाए तो आयटा वाई से आयटा वाई कट जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या है आपका, यहाँ से देखा जाए तो ये क्या है आपका 2x। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा, अगर z x प्लस आयटा वाई है तो यहाँ से अगर मैं रियल पार्ट ऑफ z निकालता हूँ तो क्या आता है x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z निकालता हूँ तो इमेजिनरी यूनिट का कोएफिशिएंट कौन y आता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा 2 टाइम्स x को मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, रियल पार्ट ऑफ z से। यही तो फ्रेंड्स क्या है राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या हुआ LHS इज इक्वल टू RHS। तो फ्रेंड्स आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब फ्रेंड्स हम करते हैं z माइनस z कॉन्जुगेट। तो देखिएगा Now we prove z minus z conjugate is equal to 2 iota imaginary part of z। तो फ्रेंड्स यहां से LHS ले लेते हैं z minus z conjugate। तो फ्रेंड्स क्या क्या आ जाएगा यहां से, फर्स्ट और सेकंड को यूज कर दो, फर्स्ट से x प्लस आइटा वाई माइनस एक्स माइनस आइटा वाई जेड कॉन्जुगेट की, यहाँ लिख दो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए क्या आएगा, x प्लस आइटा वाई माइनस एक्स प्लस का आइटा वाई। फ्रेंड्स देखने यहाँ से फ्रेंड्स x से x कट जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो फ्रेंड्स 2 आइटा y आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा 2 टाइम्स आयोटा y क्या होता है, फ्रेंड्स मैंने लिखा हुआ है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको y को रिप्लेस कर देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से। फ्रेंड्स ये क्या आ गया RHS, तो क्या आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। आई थिंक फ्रेंड्स आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 भी समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स आज के लेक्चर को एंड करते हैं, बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स अच्छे कमेंट भी कर दीजिए, आपके कमेंट्स मेरे को मोटिवेट करते हैं, मैं मोटिवेट होता रहूँगा आपके कमेंट्स के द्वारा, आप मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहेंगे, मुझे मोटिवेट करते रहेंगे अपने कमेंट्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स इसी प्रकार रहूँगा। सो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।